प्रेस द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, दो मिनट निकालकर इस गवाही को जरूर सुने जो कि अद्भुत गवाही है। एक बहन की गवाही है प्रियो। जब प्रियो वो बहन परमेश्वर पर विश्वास करती थी प्रियो, चर्च में जाती थी, आराधना करती थी और बाइबल पढ़ती थी प्रियो। जब बाइबल पढ़ते थे तब उसके पति जो कि विश्वास नहीं करते थे, कट्टर उसका विरोधी थे, तो जो कि हर दिन वो बहन जो कि बाइबल पढ़ती थी तो उसका पति जो कि उसको मार डालता है, और उसके साथ जो कि एक उसका छोटा बच्चा भी था और 8 साल की एक बेटी भी उसकी थी, उन दोनों बच्ची को भी उसके साथ दफना देता है प्रियो एक रेत के अंदर। प्रियो उसके बाद परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करता है जो कि दफनाने के बाद प्रियो इस तरह से वो बताता है कि चाचा ने इन बच्चों को मार डाला, इस तरह से जो कि वहाँ पर पुलिस वालों को वो बताता है, कंप्लेंट करता है। प्रियो इस कहानी को बताया जा रहा है कि ये मिस्र की कहानी है। वहाँ पर जो कि एक महिला जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, बाइबल पढ़ती थी, इसीलिए जो कि उसके पति ने जो कि मार दिया, उसके बाद रेत में उनको दफना दिया गया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 15 दिन के बाद एक और सदस्य का वहां पर मृत्यु हो जाता है उनके परिवारों का, तो वहां पर ही जहां पर उसने दफनाया था वहां पर ही ले जाकर जो कि दफनाने के लिए खड़ा खोदते हैं। उसी के दौरान उस खड्डे में से जो कि दो जिंदा जो कि लड़की मिलती है, जो कि लड़की और उनकी माँ जो कि जिंदा मिलती है, और वहां पर जो कि पूछा जाता है उन बच्चियों को जो कि इंटरव्यू लिया जाता है, तब बच्चे कहते हैं कि एक स्वर्गदूत जैसा जो कि सफेद व्यक्ति आता था और हमको खाना खिलाता था और मेरी मम्मी को जो कि जगाया, इस तरह से जो कि वो बच्ची लोग गवाही देते हैं। प्रियो, परमेश्वर के लिए कोई भी असंभव काम नहीं है, परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला है। प्रियो इस पर आप सोच रहे होंगे कि 15 दिन तक कैसे जिंदा रह सकते हैं, ये जमीन के अंदर जिंदा रहना असंभव है, लेकिन प्रियो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए सब काम संभव है, वो जो चाहे वो कर सकता है। प्रियो, एक पति जो कि अपनी पत्नी को और दोनों बेटियों को जो कि जिंदा दफना देते हैं, उसके बाद परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य करता है, उन सभी को परमेश्वर बचा लेता है। प्रियो, इस कहानी के हमको कोई सबूत नहीं मिलते, लेकिन कहा जाता है कि ये रियल घटना, इस तरह से कहा जाता है। प्रियो, इस तरह की एक गवाही जो कि परमेश्वर वहां पर एक अद्भुत कार्य करता है और वहां पर जो कि उनके परिवार बच जाता है, उसके बाद जिस व्यक्ति ने उसकी पत्नी को मारा था उस व्यक्ति को जो कि फांसी की सजा जो कि सुनाने के लिए वहां पर सारे लोग जो कि वहां पर बता है। प्रियो, तो प्रियो इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है हमको कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।